आई थिंक बेटे इधर के लड़कों, अगर आपने आपको लड़के मानते हो, और बेटे इधर की कुछ लड़कियाँ जो कि लड़के ऐसे बिहेव कर रही हैं, तो कृपया आगे लड़कों ऐसे बिहेव कर लो। बात ये फरडेस फर्स्ट लॉ, क्या बोला? एक लड़की ने कहा आज, कह रही सर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप पढ़ाओगे नहीं, क्योंकि आपने उससे पहले वाले बैच को पढ़ाया नहीं है। आई थिंक दूसरे वाले बैच ने फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने पढ़ाया है। बहरहाल मैं कल रात से घर में रजाइयाँ ओढ़ के लेटते हो ना तुम लोग, चार चार पाँच, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी मैं ट्यूशन आ सकूँ, उसके बाद भी आया सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए। अब उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँ भी और खड़ा भी हूँ और उसके पढ़ाऊँ भी ना, ऐसा हो सकता है क्या? तो आयो पढ़ाने कम पढ़ाऊँगा पर पढ़ाऊँगा। तो अगर किसी कारणवश आज की क्लास समझ में तुम्हें नहीं भी आती तो बस बता देना, ताकि उसके लिए दूसरी क्लास भी रख लेंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्लियर है क्या बेटा? फराडेस फर्स्ट लॉ, क्या बोला बेटा? अकॉर्डिंग टू द फराडेस फर्स्ट लॉ उन्होंने क्या कहा था, बस ऊपर देखते रहना, आवाज मत करना, सर में दर्द हो रहा है आज। उन्होंने कहा था अगर किसी भी कारण फ्लक्स में चेंज आ जाए, क्या आ जाए, चाहे वो बी में चेंज होने की वजह से हो, चाहे वो ए में चेंज आए हो, चाहे वो थीटा में चेंज आए हो, अगर इनमें से किसी भी कॉन्डी या फिर रिलेटिव मोशन की वजह से आए हो, अगर चेंज आएगा तो उसके क्या होगा, फ्लक्स आएगा। क्या आएगा? फ्लक्स। यानी इनमें से किसी में चेंज आया तो फ्लक्स में भी चेंज आने वाला है। किसी भी कारण की वजह से अगर फ्लक्स में चेंज आ गया, उसकी वजह से एक चीज इंड्यूस होती है, उस नाम का है EMF, उसका नाम क्या होता है, इंड्यूस EMF। बहरहाल कभी भी आप लोग डायरेक्ट इंड्यूस EMF ना बोले, अच्छा तरीका नहीं होता है। आप बोलो EMF इंड्यूस हुआ है, यानी EMF पैदा हुआ है, उस EMF का नाम क्या है, इंड्यूस EMF। EMF के कारणवश क्या आया था, करंट, करंट इंड्यूस हुआ था। क्या हुआ था? करंट इंड्यूस। उस करंट का नाम क्या था, इंड्यूस करंट। बहरहाल जरूरी नहीं है कि EMF के आने की वजह से हमेशा करंट आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके कारण अलग अलग है, कंडीशन बता रखी है। अगर कॉइल क्लोज है, क्या है, क्लोज, अगर कॉइल क्लोज है तो आपका करंट जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि करंट जब ही होगा जब सर्किट क्या होगा, पूरा कंप्लीट। अच्छा ये मान लिया फ्लक्स में चेंज आ रहे हैं तो EMF तो आएगा ही आएगा, EMF तो आएगा, वो तो पक्का है, चाहे कॉइल क्लोज हो चाहे ना हो। और EMF आपका जब तक रहेगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, जब तक फ्लक्स में चेंज होगा जब तक EMF रहेगा, फ्लक्स में चेंज होना जैसे रुक जाएगा वैसे EMF भी आना रुक जाएगा। ये सारी चीज़ें बताई थी फराडेस फर्स्ट लॉ ने। फराडेस सेकंड लॉ ने क्या बताया था कि जो EMF आ रहा है फ्लक्स में चेंज होने के कारण की वजह से, उसका अमाउंट कितना होगा क्या बोला, अमाउंट कितना होगा, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF, जिसका नाम क्या था, इंड्यूस्ड EMF। वहाँ पे नेगेटिव साइन आता था, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ EMF, या फिर अपोजिशन का साइन इंडिकेट करता था। इसके आगे बतलाया गया था आपको कि जो करंट आ चुका है उस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टू बी फाइंड बाय द लेंस लॉ। यानी लेंस लॉ के अंदर दो पॉइंट थे, पहला कि जो करंट आता है इंड्यूस करंट, वो लूप में अपनी डायरेक्शन इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से सेटअप करता है, ताकि वो अपने पैदा होने वाले कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके। वो इस तरीके से अपनी डायरेक्शन सेटअप करता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी, परंतु अपनी डायरेक्शन इस प्रकार से बनाएगा जिसके कारण भी वो आया उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ये लेंस लॉ का पॉइंट था, क्योंकि आपको पता है इसके बाद में आप लोगों को बताया था EMF के मेथड है कुछ क्रिएट करने के, जिसके अंदर दो मेथड बताए थे, कितने बताए, दो। बहरहाल पहला मेथड क्या था, बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, यानी एरिया में चेंज लाओगे तो EMF चेंज होगा, लाजमी से मतलब EMF पैदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्लक्स में चेंज आएगा भैया। अगर एरिया में चेंज आएगा तो भैया आपको पता है फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आ गया तो क्या पैदा हो जाएगा, EMF, जो कि लास्ट क्लास में बताया गया था। यानी एक रॉड थी, और ये रॉड थी मान लो इतनी लेंथ उसकी L, और ये मैग्नेट फील्ड में मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव विद द वेलोसिटी बी, तो EMF आया था नहीं आया था, कितना आया था, BLV, कितना आया था, BLV। बी क्या था, मैग्नेट फील्ड, एल क्या थी, लेंथ ऑफ द रॉड, और वी क्या थी, लीनियर वेलोसिटी। एक शब्द बोल रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड रोटेशनल वेलोसिटी, यानी इसे एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। बेटा अगर कोई भी चीज़ सीधे जा रही है तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी इसको कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, पर अगर कोई चीज़ रोटेट करिए, क्या करिए, उस वक्त जो वेलोसिटी उसको कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तुम पे फोन है, पास करो, उसका नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है क्या? तो दो शब्द हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा। बहरहाल आप लोगों ने एक, आजा बेटा दोनों, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V इक्वल टू R ओमेगा 11th क्लास में, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। एक चैप्टर था आपको याद है 11th क्लास में, 7th, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन पढ़ते थे, वो आपको सिंबल बताए गए थे, यानी लीनियर फिजिक्स कैसे होती है, रोटेशन फिजिक्स कैसे होती है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। परंतु बड़े एक बात बताएं, लास्ट क्लास में एक डेरिवेशन तो कर ली थी,
बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया, बाय द चेंजिंग ऑफ एरिया. आज करना है बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल. ये होता है, मान लीजिए कॉइल है और ये कॉइल जो है ऐसे गोल गोल, मान लो बेटा ऐसे गोल एक कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा, रखिए मैग्नेटिक फील्ड में. बताओ जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखिए और रोटेट करिए, क्या करिए रोटेट, जब ये रोटेट करेगी थीटा चेंज होगा ही नहीं होगा? होगा भाई, लाजमी सी बात है. अब थीटा में चेंज आएगा जिसकी वजह से क्या आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा. अगर फ्लक्स में चेंज आ गया तो क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ. कहानी तो यही थी ना. अब बात यह है, मान लीजिए बड़े कॉपी दिखाना, देखो कॉपी की शेप तो अलग है. मान लो ऐसे यहाँ पे गोल कोई बॉडी है, गोल, बीच में से कटोरा निकाल लो इसे काट के, और यहाँ इमेजिनेशन मान लो, मान लिया. अब मान लो बड़े गोल हाथ है मेरा ऐसा मान लो, बताओ इस पर एरिया वेक्टर इधर हो सकता है या फिर एरिया वेक्टर इधर हो सकता है? सरफेस पर परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड. अब मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे बोर्ड में अंदर की तरफ जा रही है क्रॉस, और ये कॉइल है, कॉइल ऐसे है, बताओ एरिया वेक्टर ऐसे होगा नहीं होगा? अब जब ये कॉइल घूमेगी ऐसे करके तो उसके साथ एरिया वेक्टर भी घूमेगा क्या? तो एरिया वेक्टर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू होता क्या है, बी ए कॉस थीटा, और जो ये थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है क्या? तो मैं कह रहा हूँ एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, पर जब कॉइल रोटेट करेगी तो उसके साथ एरिया वेक्टर भी तो घूमेगा, वो अलग बात है. इस सरफेस पर हमेशा 90 ही रहेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक एंगल लगातार क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है. और अगर ये चेंज हुआ तो इसकी वजह से ये भी चेंज होगा, और ये चेंज हो गया तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ क्या पैदा हो जाएगा, ईएमएफ. आपको वही देखना कितना होगा, बात खत्म. क्लियर है क्या? तो बेटा सेकंड डेरिवेशन का नाम क्या है, बाय द, यानी ईएमएफ बाय द रोटेटिंग ऑफ कॉइल. ईएमएफ बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल. आप लोग क्यों बेटा इतना लेट क्यों? तो पैर में लगे इसलिए लेट हो? गोदी में उठा के लेके आ रहे होंगे तुम्हारे लगी थी वो, गोदी में उठा के लेके आते राइट? हाँ, तो गोदी में उठा के लेके आ रहे होंगे ना. आ जाओ बेटा बैठो. तेरे पैर में लगी क्या, मोच आ गई है? दो लड़के बेटा बाहर आओ, दोनों लड़कों, दोनों लड़कों बाहर आओ. बेटा एक काम कर, बेटा इधर आ, तू आ, तू आके बैठ, सबसे बढ़िया जगह. अरे तू बैठ तो सही, तेरे नहीं लगेगी. बैठ यहाँ पे आराम से बैठ. बेटे दो स्टूल हैं, लड़को तुम स्टूल बैठ जाओ, लड़के हो तुम अंदर बैठो. अब ये वो सजा सर हमारे साथ भेदभाव क्यों, वही सोच रहा है. कैसे लगी तेरे पैर में? क्या लगी? फाइट में? तू बॉक्सिंग करती है? ताइक्वांडो, क्वांडो कोंडा. एक काम कर उठ. बैठ. अगर मेरी गलती से लात लग जाए तो कोंडो कोंडा मत करियो, पता लगे झुक झुक करने लगी. आओ बेटा. क्या खेलती है? टाई. अच्छा कराटे और ताइक्वांडो में अलग अलग होते हैं? ए भाई बच के रहो इससे, भैया लात वात मार देगी. हाँ बेटा तू बच के, सैंड कॉल में पड़ती है ना वहाँ पे बैठ. अरे ला लो. बेटा ऊपर देखें. हाँ मैं कहाँ पे था, कॉइल पे कहाँ था? तो ईएमएफ बाय द रोटेशन ऑफ कॉइल. आराम से ऊपर बेटा दिख रहा है तेरे को, ये छोटे ले इधर देख रही हो बेटा. इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, आवाज़ मत करना बस आज. बेटा कौन सी है बेटा? इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखी है, क्या रखी है बेटा? ये ले ली कॉइल. तो मुन्नी बदनाम हुई लड़की को, जाने तो दे, जरूरी काम है. फोन भी चाहिए बेटा? फोन चाहिए? पार्टी में आ रहे हो? हाँ और बोलिए.
बेटा शादी में आ रहे हो? शादी शादी है? देख सुन, पहले खाना देखी उसके बाद पैसे दियो, ठीक है? देख ले फोन तेरा ही है ना, पता लगे घर पहुंचे फोन तो एप्पल का आ गया। फिर लो खाएगी भाई पनीर, जाने दो अब। बेटे बेटा थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा सा बेटा, आई थिंक थोड़ी देर 5-10 मिनट पानी नहीं पियोगे तो डोंट वरी, कुछ होगा नहीं। और अगर कुछ हो भी गया तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, जितना भी तेरा बजट होगा, जो भी तेरे दिक्कत है। भैया एक बार टॉपिक तो पढ़ लो, खत्म तो कर लो इसे। बेटा ये फील है, ये इनवर्ट मैग्नेट फील है, कॉइल रख दी। अब कॉइल रोटेट करिए, क्या करिए? जब रोटेट करती है वेलोसिटी वी नहीं होती, ओमेगा होती है। क्या होती है? ओमेगा। क्योंकि कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी तो आप वी नहीं लिखते, ओमेगा लिखती हो। तो बताओ ये जब रोटेट करेगी तो उसकी रोटेशन की वेलोसिटी ओमेगा होगी। इसको बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या कहेंगे? इसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब ये घूम रही है तो थीटा की बात हो रही है। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रोटेशनल फिजिक्स में थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थीटा डिवाइड बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। ये आपको आना चाहिए, ये 11th क्लास में भी था। अब ऊपर देखे बताओ फ्लक्स थीटा में चेंज आएगा ही नहीं आएगा? अगर थीटा में चेंज आएगा तो उसकी वजह से फ्लक्स आएगा क्या? बेटा फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स में चेंज आया क्यों? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द कॉइल, ये रोटेट करी थीटा चेंज हुआ। ये रहता है वी नो, हम लोग जानते हैं। बताओ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाय टी। तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? ओमेगा टी। ये वैल्यू यहाँ डाल दो। बताओ जैसे यहाँ डालोगे क्या होगा? बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू में बी ओमेगा। बेटा बी आएगा, ए आएगा, कॉस आएगा, और थीटा की जगह ओमेगा टी। यानी ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दिए। क्लियर है क्या? अब ये तो आपको फ्लक्स निकालना है, ईएमएफ निकालना है। अब ईएमएफ कौन सी लॉ बताइए? फैराडे सेकंड लॉ। तो यहाँ करेंगे कैलकुलेशन फोर किसके लिए करनी है आपको? तो कैलकुलेशन फोर ईएमएफ करनी है। बताओ बाय यूजिंग द फैराडे सेकंड लॉ। अब फैराडे सेकंड लॉ क्या कहती है? बेटा ईएमएफ जो है इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी है। और फाई के लॉ आपको पता ही है, ये डालोगे बेटा डिफरेंशिएट सारे बच्चों को आता है। बेटा डी बाई डी टी, बताओ फाई की वैल्यू कितनी है? बी ए कॉस ओमेगा टी। ये आता है बी और ए तो फिक्स है। अरे जो कॉइल है उसका एरिया तो फिक्स है ना, वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो भी लगाई आपने वो भी फिक्स है। और यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है टी है, और ये एंगल है, एंगल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। याला फंक्शन अंदर आएगा और याला फंक्शन का आएगा बाहर, इसको बाहर ले लो। ई इज इक्वल टू माइनस बी ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी पीछे क्या है? बेटा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा। एंगल का भी तो करोगे? बेटा ई इज इक्वल टू माइनस बी ए फील है टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। बताओ कॉस थीटा है ना, पहले तो लिख दो माइनस साइन थीटा, थीटा लिख दिया। अब रुको, अब एंगल को देखो, ये एंगल है सिर्फ। बताओ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टी। तो उसके साथ में टी उसे वगैरह दो वन, उसके साथ में जो भी बचेगा उसे लिख दो डॉट लाके ओमेगा। ऐसे होता है, ऑलरेडी सिखा रखा मैंने 11th क्लास में। बेटा माइनस माइनस प्लस, बेटा ए इज इक्वल टू प्लस बी ए, ओमेगा को आगे ले आओ ओमेगा, और ये क्या है? साइन ओमेगा टी। और ये ईएमएफ आ गया जब कॉइल रोटेट कर रही है, तब जब कॉइल रोटेट कर रही है तब। क्लियर है क्या? इसे लपेटो घसीटो उठाओ, हलवा चीज। बेटा क्वेश्चन करोगे? अच्छा बताए मान लीजिए इनवर्ट मैग्नेट फील्ड ये रखिए, बेटा इसके अंदर कॉपर की कॉइल रखिए, क्या रखिए? कॉपर की, और एक एल्युमिनियम की कॉइल रखिए। तो एक कॉपर की है, एक एल्युमिनियम की है, दोनों का सेम साइज है। कैसे साइज है? सेम, ये मैं कह रहा हूँ। और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी रखी है, और दोनों का ओमेगा भी सेम है, ओमेगा भी सेम, यानी दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो बताओ दोनों का ईएमएफ कितना होगा? सेम या अलग? सेम ही होगा। क्या होगा भैया? बी सेम है, ए भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, तो एंगल भी सेम ही रहा होगा, साइन का फंक्शन दोनों में होगा, तो दोनों का ईएमएफ भी क्या होगा? सेम। क्लियर है क्या? एक कॉपर की थी और एक एल्युमिनियम की थी। ईएमएफ आया कॉइल क्लोज है, करंट आएगा ही नहीं आएगा? आएगा बेटा, सीमा ऊपर करंट आएगा ही नहीं आएगा? अब करंट की बात करें तो करंट किसके ज्यादा होगा, कॉपर में होगा या फिर एल्युमिनियम में होगा? ये तो बिना तुम बोले भी बोल सकते हो, कॉपर में ही ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। क्लियर है क्या? तो एक क्वेश्चन सीबीसी में आया था, एक बार देख लो, क्वेश्चन डालो इसके अंदर।
बेटा क्वेश्चन देखें बेटा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बेटा लिखना नहीं है ऊपर देख लो। दो कॉइल है, कितनी कॉइल है? दो बेटा, एक कॉइल ये दे रखी है, एक कॉइल ये दे रखी है, बताओ दोनों का ओमेगा क्या है? सेम, दोनों का ओमेगा सेम दे रखा है, यानी एंगल ऑफ वेलोसिटी दोनों की सेम है, दोनों का साइज जो है वो क्या है? सेम साइज की है, दोनों की बात करें दोनों का ओमेगा क्या है? सेम है, दोनों क्या है? सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। क्लियर? विच वन हैज द ग्रेटर ईएमएफ? ईएमएफ किसका ज़्यादा होगा? एक क्वेश्चन ये निकाल लें बेटा। दूसरा ये है, इंड्यूस करंट किसका ज़्यादा होगा? इंड्यूस करंट किसका ज़्यादा होगा? ऊपर देखें, अगर बात करें बेटा ईएमएफ की, बेटा अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ भी बोल सकते हो, पर फोर, पहले कॉपर की बात करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो, किसकी बात करते हो? मैग्नीट्यूड की। तो मैं मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ, ठीक है? बताओ डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। मैंने नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करा भाई, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करा है। अच्छा, तो कॉपर का है, किसका है? कॉपर की बात हो रही है, तो कॉपर ले लिया। क्लियर? एक बार बात कर रहे थे किसके लिए, यहाँ ले लो बेटा, फोर एल्यूमिनियम, बताओ उसके लिए ईएमएफ कितना होगा? बड़े डी फाइव बाई डी टी, और ये क्या एल्युमिनियम का? ये था फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स अभी देखा था, यानी ईएमएफ देखो तो बी ए ओमेगा बेटा साइन ओमेगा टी आया था, जब ये रोटेट करती है ईएमएफ इतना ही आता है। अब फिर लो बताओ दोनों का बी क्या है? सेम या अलग? दोनों का साइज क्या है? दोनों ओमेगा क्या है? एंगल क्या होगा? ये भी क्या होगा? यानी ईएमएफ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ एल्युमिनियम। बताओ अगर ये वैल्यू की बात करें भी तो फ्लक्स ही आई होगी। अरे हाँ ना, बोल भैया, तो ये सब तो सेम ही है इसका। बताओ यहाँ लिख सकते हैं ना, डी फाइव बाई डी टी किसका? कॉपर का बेटा, इज इक्वल टू मे डी फाइव बाई किसका है? एल्युमिनियम का। दोनों का सेम होने वाला है। एक बात बेटा, दूसरे का आंसर यहाँ देखो, बता इंड्यूस करंट की बात करनी है क्या? बता इंड्यूस करंट की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टर। बता इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली इन्वर्सली है, इन्वर्सली है, साफ पता लग रहा है। बता रेजिस्टेंस किसका ज्यादा, एल्युमिनियम का कॉपर का? एल्युमिनियम का। यहाँ लिख सकते हो बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द एल्युमिनियम इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर। इट मींस जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका करंट कम, तो करंट किसका कम होगा बेटा? एल्युमिनियम का कम होगा, और करंट ज़्यादा किसका होगा? इंड्यूस करंट कॉपर का ज़्यादा होगा, इंड्यूस करंट है, ठीक है? अरे आया नहीं आया तुम्हें? ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से क्या इंड्यूस होता है? करंट। उसका नाम क्या होता है? इंड्यूस करंट। कठिन तो नहीं है क्वेश्चन? लपेटिए फास्ट हल हुआ चीज बेटे। ऊपर देखें, एक नोट डालो, क्या डालो? एक नोट बेटे, नोट की बात ये सुने, आपको 11th क्लास का 7th चैप्टर आना चाहिए। अगर रोटेशन फिजिक्स की बात हो रही है तो थोड़ा तो रोटेशन पता होना चाहिए। कभी आप लोगों ने देखा है बिजना? बहरहाल जो बच्चे मेरी तरह गरीब है उनको जरूर पता होगा बिजना क्या होता है। अब मतलब जो नहीं बोल रहा अमीर है, बात खत्म। चलो कोई नहीं, झंडा देगा झंडा, वैसे ही होता है बिजना। जो 2 रुपये वाला झंडा आता है उसकी बात कर रहा हूँ, सस्ता वाला। सुनो जरा, गाँव में जाऊँगा ना, एक बिजना होगा हैंडमेड जो भी बोलते बेटा, सुन ले बेटा, हमारे यूपी में बिजना ही बोलते हैं। अब बेटे बिजना होता है या बिजनी होती है या ढेस होता है, वो आप लोग हिसाब से भर लो। लकड़ी का एक डंडा होता है, आगे कुछ लगी होती है पड़ताल टाइप, उसे घुमाते हैं। क्लियर बेटा? अगर इतना भी नहीं आता, मान लो ये धागा ऐसा काट लो, मान लो बेटा, हैंड फैन ना कई तरीके के होते हैं, ठीक है बेटा? बेटा ये फील है, इसे लिया और यहाँ से ऐसे धागे को काट लिया। अब एक लंबा सा धागा है मेरे पास, फील लो, इसके एक एंड में पत्थर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? और आप ऐसे करके घुमा रहे हो। अब ये तो पता लग गया क्या कर रहा हूँ, बता ऐसे घुमाएंगे। एक्सेस ऑफ रोटेशन तो ये, यानी जिस एक्सेस के अबाउट बॉडी घूमती है, इसको एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये 11th क्लास में बताया था आपको। अभी बताओ, जब घुमाओगे तो बाहर वाला पत्थर लगाए वो ज़्यादा तेज घूम रहा होगा, या फिर मेरे हाथ के पास में जो पार्टिकल होगा वो ज़्यादा तेज घूमेगा? ये आपको दिखता भी और होता भी है, ये वास्तविकता और होती है। कभी लेजर लाइट देखी आप लोगों ने? जो महंगी वाली लेजर लाइट है 500-600 रुपये वाली, वो लेना आप लोग, और उस लेजर लाइट को हाथ में पकड़ना बेटे, ऑन करना उसे, तो एक डॉट दिखेगा दूर। अपने हाथ को थोड़ा सा शिफ्ट करना, वो बाहर वाला पार्टिकल बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा। कभी देखना, आप अपने हाथ को इतना करोगे वाला पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर पूरा 360 घुमाओगे तो वो पार्टिकल भी 360 घूमेगा, यानी एंगल तो सेम है पर वो तेज मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है?
एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई चीज रोटेट करती है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। क्योंकि मान लो यहाँ पे एक रॉड है, रॉड आगे जा रही है तो लाजमी से आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। भाई आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है, तो यहाँ वी भी होगा और ओमेगा भी होगा, वी भी होगा और ओमेगा भी होगा। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मान लीजिए ये बोतल दिख रही है और ये दिख रहा है बड़े, इसके अबाउट बोतल घूम रही है ऐसे मान लो, तो यहाँ पे क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या है। यहाँ डंडा ही ले लो, मान लो ये डंडा है और ये ऐसे घूम रही है बोतल, तो बताओ इसके अबाउट घूम रही है तो ये क्या हो गया, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रही है। तो ये बाहर वाला जो पार्टिकल होगा यहाँ पे वो ऐसा लगेगा बड़ी तेज घूम रहा है, बड़ी तेज घूम रहा है, और रियलिटी भी यही है, उसकी लीनियर वेलोसिटी तेज ही होती है। जो पास में होगा धीरे घूमेगा, इसलिए तो गेट भी आप देखते हो जब गेट खोलते हो तो बाहर वाला तेज लगता है, बहरहाल वहाँ टॉर्क आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है फैक्टर, परंतु आपको पता होना चाहिए रोटेशन के वक्त क्या हो रहा है। तो 11th क्लास में बतला दिया गया था, याद नहीं अलग बात है। तो एक नोट डाले उसके ऊपर, तो आओ बेटा एक नोट डालो, एक क्या डालो नोट, यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास वाला जितना पार्टिकल होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, स्लो, पर जितना दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। आई रिपीट, मेरे शब्दों को ध्यान सुनना, मैं लीनियर वेलोसिटी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, जब आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट लाइन में बात आती है तो, और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होती है, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, सबका ओमेगा क्या होगा सेम। बहरहाल फिर लो बड़े ये नोट है क्लास 11th का, बेटा क्या था, जो v है लीनियर वेलोसिटी बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r, व्हाट इज r, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा इसे हटाते थे v इज इक्वल टू में r ओमेगा, बेटा v इज इक्वल टू में r ओमेगा, ये फॉर्मूला आता था 11th क्लास में। बेटा रिलेशन बोलते थे, रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बेटा इसका नाम क्या है, लीनियर वेलोसिटी, इसका नाम क्या है, बेटा इसकी बात करें ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेम होता है, और ये वी डिपेंड करता है आर पे, किस पे, यानी आर बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी वी भी ज़्यादा होगी उसकी। फिर लो कैसे, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे एक धागा है, क्या धागा पता लगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो डंडा एक लंबा सा, बड़ा इसके अबाउट बॉडी घूम रही है, यानी पूरा सिस्टम ऐसे करके घूम रहा है, यानी ऐसे है तो ऐसे घूम रहा है। पता है बहुत सारे पार्टिकल होंगे या नहीं होंगे, एक पार्टिकल थोड़ा होगा, पार्टिकल तो बहुत सारे होंगे, पता सबसे एंड में बैठा होगा एक पार्टिकल, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, बताओ सब पे ओमेगा होगा या नहीं होगा, होगा सब पे लीनियर वेलोसिटी होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जब भी कोई भी चीज जीवन में फिजिक्स के अंदर रोटेट करती है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। फिर लो बताओ पहला वाला पार्टिकल जो है एक्सेस रोटेशन से कुछ दूरी पर होगा नहीं होगा, आर वन ले लिया, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी नहीं होगी, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ तो होगी भैया, सिस्टम आगे भी बढ़ रहा है रोटेट भी हो रहा है, तो जो आगे बढ़ रहा है लीनियर वेलोसिटी वी वन होगी, कितनी होगी, वी वन ऐसे मान ली। बताओ अब क्या है, धीरे धीरे आगे जाएंगे, अगला पार्टिकल आएगा उसकी दूरी ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी कम होगी, यानी पीछे वाले से तो ज़्यादा ही होगी वी टू। बेटा अगला वाला पार्टिकल आर थ्री, बताओ आर थ्री ज़्यादा है तो इस वाले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, और ज़्यादा होगी उससे। बट ऐसे करके अगला वाला क्या है आर फोर, उसकी क्या होगी वी फोर, और अलग अलग होंगी, ये क्या होंगी अलग अलग, सेम थोड़ा होगी, वो धीरे मूव कर रहा है, वो तेज मूव कर रहा है। बताओ अगला वाला इसे हटा देते, सीधा पांचवा लेते, बताओ अगला वाला क्या है आर फाइव, बताओ इसकी कितनी होगी वी फाइव, ज़्यादा कौन सी है वी फाइव वाली, साफ पता लग रही है, यानी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, लीनियर वेलोसिटी क्या है डिफरेंट है ईच एंड एवरी पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की अलग अलग है, क्यों, क्योंकि वो आर पर डिपेंड करता है। पर जब सिस्टम रोटेट करता है सबकी ओमेगा क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि सारे के सारे एंगल सेम कवर कर रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं एंगल सेम, भैया ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाय टी, तो सबका ओमेगा क्या होगा, देखो ये आगे बढ़ रहा पर घूम भी तो रहा है, ये आगे बढ़ रहा पर घूम भी तो रहा है, ये घूमेगा भी तो बड़े, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, सबका ओमेगा क्या होगा वो अलग नहीं होगा, ओमेगा क्या होगा सेम, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है डिफरेंट ईच एंड एवरी पार्टिकल की, और लीनियर वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द आर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन,
जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा तेज मूव करता है, पर सबका एंगल क्या होता है सेम कवर। अरे हाँ ना बोल भैया, तो यहाँ सीखा क्या आप लोग, कभी भी कोई भी चीज़ रोटेट करेगी तो वी क्या होगा अलग अलग, ओमेगा क्या होगा डिफरेंट नहीं होगा, सेम होगा। क्लियर है क्या? लपेटो से बड़े ऊपर देखे सारे बच्चे, बड़े ऊपर देखो, ओमेगा सेम ही अलग, सेम लीनियर वेलोसिटी सेम ही अलग, अलग अलग होगी। जितना एक्सिस से दूर जाएंगे उतनी लीनियर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी पार्टिकल की। अब पार्टिकल एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे और सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। ये बताएं, मान लीजिए एक रॉड है जो कि वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है लीनियर वेलोसिटी से, ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? आएगा, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना बी एल वी कितना आया था, B-L-V। तो एक काम करो, एक नोट नंबर सेकंड डालो, उसके बाद एक डेरिवेशन, उसके बाद छुट्टी तुम्हारी, ठीक है? फील लो, बेटा लास्ट क्लास का पॉइंट था, लास्ट क्लास में बतलाया गया था बेटे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, बेटे एक रॉड है जो कि बेटा वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, रॉड का नाम ए भी है। बता बेटा, सूफी लिखियो मत, ईएमएफ आएगा ही नहीं आएगा? आएगा बेटा। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी? बीएलवी कितनी आएगी? अगर मान लो इस रोड का छोटा सा टुकड़ा ले लें, बहुत छोटा सा, तो उस छोटे टुकड़ा जो कि वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है मान लो, तो उसकी वजह से ईएमएफ बड़ा आएगा छोटा आएगा? छोटा आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा ना भाई, परंतु आपको ये तो आता है ना, बस यही नोट है, यही डालना है। इसका डेरिवेशन है ईएमएफ ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड, ईएमएफ ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड, इसकी डेरिवेशन कौन सी है? ईएमएफ बेटा ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड, यानी रॉड रोटेट कर रही है, ऐसे मूव कर रही है उस वक्त रोटेट करेगी, जब रोटेट मैग्नेटिक फील्ड में, यानी रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो ईएमएफ कितना होगा आपको ये देखना है बस। क्लियर है क्या? कर लोगे? अरे तो पता है तुम्हें बेटा, ऊपर देखिए सारे बच्चे पेन रोक दो, ऊपर देखो बेटा क्या लिखा है, बेटा क्या है? रोटेटिंग रॉड। बेटा फील लीजिए, पेन मत चलाना बस ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ, और यहाँ एक रॉड रखी है, दिख रही रॉड ये बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बहरहाल आपको पता है कि रॉड में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे भैया, एक यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और एंड में भी होगा। बताओ सारे पार्टिकल की बात करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी अलग अलग है, सेम है अलग अलग, तो सबकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग, पर सबका ओमेगा क्या होगा? सेम, ये आप जानते हो। बताओ कोई भी एक पार्टिकल की बात करेंगे, कोई भी, यानी एक स्मॉल एलिमेंट लेने का, छोटा सा एलिमेंट, भाई रॉड तो बहुत बड़ी है तो स्मॉल एलिमेंट लो, जैसे फोर्थ चैप्टर में आपको याद है बायटन सेवर्ट लॉ में लिया था, वैसे एक जुड़ता स्मॉल एलिमेंट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ डायग्राम एक और बनाना, बताइए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी कितनी है? V1। बेटा इसकी कितनी है? V2। अगले की बोलो V3। अगले की बोलो V4। जो कि ज़्यादा होगी बेटा, सबका ओमेगा क्या होगा? सबका ओमेगा क्या होगा? सबका ओमेगा सेम होगा पर भी अलग अलग हुआ, ये तो बताएं तुम्हें। ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम ये बनाना है फील हो बड़े, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रही आपकी रॉड। बता बेटे रॉड की लेंथ एल मान लो, क्या मान लो? एल, ऐसे मान ली एल लेंथ की रॉड है। क्लियर है क्या बड़े? फील है, बता यहाँ ओरिजिन है या नहीं है? यहाँ ओरिजिन हो गया, और लास्ट में लेंथ कितनी एल है? यानी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से लेके एल तक। कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा टुकड़ा, मान लो ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका नाम है डी एक्स,
क्या नाम है? डी एक्स, यानी टेक ए स्मॉल एलिमेंट डी एक्स। बहरहाल इसके अंदर मान के चलो एक ही पार्टिकल है, इसे मान लो, मान लिए, बताओ उसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, आपको पता है या? तो लेट मान लेते हैं, लेट बेटा लीनियर वेलोसिटी कितनी है? वी है। बताओ आपको पता है एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसकी दूरी कितनी है? नहीं, कुछ मान लो एक्स, मान लो क्या मान लो? एक्स मान ली। इतना क्लियर है क्या? पर वास्तविकता में आपको पता ही है, आगे भी बढ़ रहा है पर रोटेट भी तो हो रहा होगा। जब रोटेट होगा तो आपको पता है वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा। पर आगे भी तो बढ़ रहा है, तो आगे जो वेलोसिटी कितनी मान ली? वी मान ली। यानी एक छोटे से टुकड़े की वैसे ईएमएफ कितना आ रहा है, पहले ये निकाल लो, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? कहां से कहां? जीरो से लेके एल, पूरे टुकड़े की वैसे ईएमएफ पता लग जाएगा। ये बताएं, एक और डायग्राम बना ले, यहां पे यहां बना लो, बड़े को इस वाले टुकड़े को बड़ा करके देखते हैं। ये दिख रहा है क्या? बताओ इसका नाम क्या है? डी एक्स। बताओ वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है? वी। बताओ एक स्ट्रेट टुकड़ा एक लीनियर वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ईएमएफ आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा? ई इज इक्वल टू बी एल वी। पर ये छोटा है बड़ा है? ईएमएफ छोटा आएगा बड़ा आएगा? तो सबसे पहले तो इस वाले डायग्राम के कुछ लिख लेना, बड़े टेक ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसका नाम क्या है? डी एक्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, यानी जो एक्स दूरी है एलिमेंट की वो एक्स ऑफ रोटेशन से। क्लियर है इतना? अच्छा मान लिया। अभी बताऊं इसके बाद में ये बनेगा, यहां से क्या पता लग रहा है कि छोटे से टुकड़े की वजह से छोटा सा ईएमएफ। तो बेटा यहां लिखोगे स्मॉल ईएमएफ ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का नाम क्या है? डी एक्स, छोटे से टुकड़े की वजह से छोटा सा ईएमएफ। ये आता है वी नो। बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है जब आगे जाती है? बी एल वी। पर हमें छोटा सा निकालना है तो ये डी ई रहेगा या डी ई हो जाएगा? डी। बता मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है ना, जो लगा रखी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर जिस टुकड़े की बात कर रहे हो वो टुकड़ा कितना है? डी एक्स। तो इसकी जगह क्या आएगा? डी एक्स आ गया। अभी आता है ये सिर्फ आगे जा रहा है, घूम भी रहा है, तो आपको रोटेशन फिजिक्स तो लगानी पड़ेगी ना इसमें। तो बेटा वी इजिकल टू आर ओमेगा। क्या होता है? जैसे ये लगा दिया साफ साफ पता लग रहा है ओमेगा भी आ गया, जो कि सेम है। अभी तो व्हाट इज आर? द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। कितनी यहाँ पे? एक्स। तो आर की जगह लिख देंगे एक्स, परंतु इस स्टेप पे नहीं, अगले स्टेप में लिखेंगे। यहाँ दिखा देना व्हाट इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। बताओ इसके बाद क्या आएगा? बेटा डी ई है इजिकल टू में बी है, यहाँ क्या है? डी एक्स है। क्या है? डी एक्स। बेटा यहाँ आर की जगह क्या आएगा? एक्स, और पीछे क्या है? ओमेगा। बताओ ये डी ई आ गया। पर ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से आया ना, आपको तो पूरी रॉड की वजह से निकालना है। इसे इंटीग्रेट करोगे क्या करोगे? जो कि नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले इसे लपेटो, घसीटो, उठा पटको, हलवा चाहिए। बड़े सुनिए, आवाज नहीं, 5 मिनट का टॉपिक बचाए, 4 मिनट लगाने में लगेंगे लिखने में, बड़े 9 मिनट में हो जाएगा। ऊपर देखो, बता बेटा ये क्या लिखा है? बड़े टेक ए स्मॉल एलिमेंट डी एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा ईएमएफ, जो कि यह है बेटा, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट। इस सबको मिटा दूं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आइए बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट, और सारे बच्चों को इंटीग्रेशन आना चाहिए बेटा। बताओ बेटा डी ई इजिकल टू क्या है? अच्छा जाता है बेटा, ओमेगा तो फिक्स है, बी भी फिक्स है, ये एक्स तो अलग अलग हो सकती है अलग अलग पार्टिकल की, और डी एक्स ये बता रहा है एक्स को सॉल्व करो। इंटीग्रेशन में तो यही होता है, लिखिएगा कोई नहीं, ऊपर देख लो, इंटीग्रेट बोथ साइड। डी बेटा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, एक्स आएगा ओमेगा आएगा। बताओ ये और ये बाहर, रीजन बताइए आपको, कॉन्स्टेंट है बेटा, बी बाहर आ गया ओमेगा बाहर आ गया। अच्छा लिमिट कहाँ से? जीरो से लेके एल। वाई, आपको पूरी रॉड की वजह से बात करनी है ना, तो एक्स ऑफ रोटेशन से जीरो एंड में एल हो गया। क्लियर? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। बहरहाल बेटा ये जीरो, ये एल, अंदर क्या है? एक्स और डी एक्स। ये डी एक्स ये बोल रहा है इसको सॉल्व करो। बताओ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू, ऊपर क्या है? एल और जीरो। बड़े यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई हो गया टोटल ई एम एफ है।
बताओ E इज इक्वल टू क्या आएगा? बड़ा B आया, ओमेगा आया, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर बाई टू है, और यहाँ क्या L और जीरो, बड़े सारी माइनस सारी, यानी एक बार L को एक्स क्या रखोगे? बताओ बेटा कितना आएगा? B ओमेगा, जब X या L रखोगे कितना आएगा? L स्क्वायर डिवाइड बाई टू, फिर माइनस फोर ओमेगा, फिर जीरो डालोगे, जीरो को डिवाइड दोगे कितना आएगा? जीरो। बड़े तो खत्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई से कर दो, E इज इक्वल टू वन बाई टू आगे लिख दो बेटा, बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा बड़े एंड हो गया। यानी जब कोई चीज़ रोटेट कर रही है रॉड, तो उस वक्त एम एफ इतना होता है। अब फील लो, यहाँ से सीखे क्या बड़े, क्या इनवर्ट मैग्नेटिक फील है? मान लीजिए कोई रॉड है जो कि लीनियर वेलोसिटी से आगे जा रही है, लीनियर वेलोसिटी से, इस वक्त एम एफ कितना होगा? बी एल वी, कितना होगा? परंतु बड़े क्या मैग्नेटिक फील है, और इसके अंदर रॉड रखिए, क्या रखिए? रॉड रखिए जो कि घूम रही है, क्या कर रही है? घूम रही है ऐसे गोल गोल, जिसकी रेडियस आ रही है, एल ले लो हमने, एल ली है पूरी, ठीक है? तो बेटा ऐसे घूम रही है, तो उस वक्त ईएमएफ कितना आएगा रॉड पे? बेटा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड, जो भी होगी वो इस्तेमाल करनी होगी। क्लियर है? तो इसी के साथ ही डेरिवेशन खत्म हो जाती है। क्लियर? तो आज की क्लास की करते समाप्ति, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलंदर सबक है बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी गड़ा ना पढ़ी गड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सबक है, गुड नाइट बच्चों।